एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि अपोजिशन जमातें अपनी बारी का इंतजार करें, ऐसा कोई इकदाम ना उठाया जाए जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचे। रहमान मलिक से मुलाकात में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में अवामी ताकत का मुजाहरा करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। एहतजाजी सियासत में नून लीग को कितनी अवामी पजीराई हासिल होगी, फैसला कल होगा। परवेज मुशर्रफ कहते हैं कि उनके दौरे हुकूमत में अगर उसामा बिन लादिन पाकिस्तान में छुपा होता तो वो इससे बिल्कुल ना वाकिफ थे। हामिद करजई, मनफी सोच के हामिल शख्स है, पाकिस्तान का साथ देने का बयान मजे का खेस है। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर आ गया, वकूफ़े अरफा 5 नवंबर को होगा। पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद देखने के लिए इजलास कल होगा। मरी में भी तलबा और असातिज़ा की कंप्यूटराइज्ड और गलत नतायज के खिलाफ एहतजाजी रैली, इम्तिहानी निजाम की तब्दीली का मुतालबा। Under-19 इंटररेंज क्रिकेट टूर्नामेंट में कराची के नौजवान खिलाड़ी साद अली ने ट्रिपल सेंचुरी बनाकर नई तारीख रकम कर दी। और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में हालोवीन डे के सिलसिले में बहरी जहाज को भूत बंगले में तब्दील कर दिया गया।